यह कहानी मेरी और मेरी आंटी की है। मेरी आंटी ने मेरे साथ वह किया जिसका मुझे इंतजार बरसों से था, लेकिन वह मुझसे उम्र में लगभग डबल थी। इस चीज का मुझे कहीं ना कहीं गम था और वह रिश्ते में भी मेरी आंटी थी, लेकिन जब उन्होंने मेरे साथ वह किया उस वक्त मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। मैं अपनी सारी हदें भूल चुका था और उन्होंने मुझे इतनी खुशी दी कि मैं मानो में पागल ही हो गया था। अगर मैं आपको अपनी कहानी के बारे में बताऊं तो मेरा नाम मुसाफिर रहमान है। हम एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं। मेरे पिता और हमारा परिवार एक गांव में रहकर अपना जीवन बड़ी मुश्किलों से काट रहा था, लेकिन मैंने पढ़ लिखकर एक बहुत अच्छी नौकरी लगवा ली थी। इसके बाद मेरा सिलेक्शन एक सरकारी कर्मचारियों के रूप में रेलवे में हो गया था और मेरी नौकरी दिल्ली जैसे बड़े शहर में लगी थी। और इस वक्त मेरे चाचा और मेरी चाची दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। मेरे चाचा भी दिल्ली में एक बैंक में हेल्पर की नौकरी किया करते थे, तो इसलिए मेरे घर वाले यह चाहते थे कि मैं दिल्ली में अपने चाचा चाची के यहां पर रहकर अपनी नौकरी करूं, क्योंकि दिल्ली जैसे बड़े शहर में खर्चा बहुत होता है। तो इसलिए मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं वहां पर रहकर अपने अंकल आंटी की भी मदद किया करूं, और मैं खुशी खुशी दिल्ली चला गया। दिल्ली जाकर मैंने देखा कि मेरी चाची बड़े ही कम पैसों में अपना घर का खर्च चला रही थी, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में अपना घर चलाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती थी और मैं एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी किया करता था। यह सब देखकर मेरे अंकल आंटी ने मुझे खुशी खुशी अपने घर में रहने के लिए जगह दी कि मैं उनके घर के खर्चे में कुछ पैसे दे सकूं। अगर मैं आपको अपने चाचा चाची के बारे में बताऊं तो मेरे चाचा की उम्र लगभग 50 साल थी। वह हमारे परिवार में से ही थे, मेरे चाचा लगते थे, लेकिन मैं उन्हें शुरुआत से ही अंकल आंटी कहकर बुलाता था। अगर मैं आपको आंटी की बात बताऊं तो वह उनकी दूसरी बीवी थी। पहली बीवी को उन्होंने बच्चा ना होने को लेकर छोड़ दिया था। अब उन्होंने लगभग 6 महीने पहले ही 50 साल की उम्र में दूसरी शादी की थी और दूसरी शादी उन्होंने जिस औरत से की थी उसकी उम्र लगभग 30 साल थी और मेरी उम्र लगभग 25 साल थी। मैंने जैसे ही अपनी आंटी को पहली बार देखा तो वह दिल्ली जैसी मॉडर्न औरतों की तरह रहती थी। वह अपने ऊपर बहुत खर्चा करती थी और मेरे चाचा की लगभग आधी सैलरी वह अपने ऊपर ही उड़ा देती थी। लेकिन मेरे चाचा भी बेहद निकम्मे किस्म के व्यक्ति थे। वह भी रोज नशा किया करते थे और यह सब के चलते उनके घर में रोज लड़ाई झगड़ा रहते थे, क्योंकि मेरी चाची को हर महीने कुछ पैसे खर्च करने के लिए चाहिए होते थे। लेकिन अब जब से मैं उनके घर में आया था, आंटी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। वह मुझे नया नया पकवान बनाकर खिलने लगी और उन्होंने मानो मेरा दिल जीत लिया था। जब मेरी पहली सैलरी आई तब मैंने अपनी चाची को उनमें से लगभग 10,000 दे दिए और इतने पैसे लेकर वह बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और जैसे उन्होंने गले से लगाया मेरे बदन में तो मानो बिजली दौड़ने लग गई थी। वह मुझसे रिश्ते में तो बड़ी थी, लेकिन उनकी हरकतें बिल्कुल मेरी उम्र वाली लड़कियों की तरह ही थी और कुछ समय बाद बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन एक दिन उन्होंने अपनी बहन को भी अपने पास बुला लिया, क्योंकि उसकी बहन कॉलेज में पढ़ती थी और कॉलेज की छुट्टियों के बाद उन्होंने उसे अपने घड़ी बुला लिया था। और वह एक विधवा औरत थी, उसकी उम्र भी लगभग 35 साल थी, लेकिन दोनों बहन दिखने में बहुत सुंदर थी। मैं जब मैंने अपनी आंटी की बहन को देखा तो मुझे लगा कि मुझे इनसे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वह मुझ पर अब लाइन मारने लगी थी। अब मैं एक भला 25 साल का लड़का था और मैं सरकारी नौकरी किया करता था, तो सभी लड़कियां मुझ पर मरा करती थीं। सब चाहती थी कि मेरी इससे शादी हो जाए, लेकिन मैं भी सोचा कि क्यों ना मैं भी अब अपनी जिंदगी के कुछ मजे लूं। काफी मेहनत करने के बाद मैंने सरकारी नौकरी लगवा ली थी, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में आज तक किसी लड़की को भी हाथ में भी नहीं लगाया था। लेकिन यह कमी मेरी आंटी और मेरी आंटी की बहन ने पूरी कर दी थी। अब कुछ टाइम बाद मैंने एक नई स्कूटी ले ली ताकि मैं अपने ऑफिस आराम से अपने ऑफिस आ जा सकूं। लेकिन मेरी स्कूटी को लेकर मेरी आंटी और उनकी बहन में बहुत खुशी बढ़ गई थी। वह भी स्कूटी सीखना चाहती थी। अब उन्होंने मुझे बोला कि आप हमें स्कूटी चलानी सिखा दो, और मैं एक दिन अपनी आंटी को अपने पीछे बिठाकर ग्राउंड में स्कूटी चलाने ले गया और वहां धीरे धीरे स्कूटी सीखने लगी। लेकिन उन्हें स्कूटी सीखते हुए डर लगता था। उसके बाद मैं उनके पीछे बैठकर स्कूटी चलानी सीखने लगा और उसके बाद मेरी आंटी और मैं काफी नजदीक आने लगे थे। हम दोनों अपनी प्राइवेट बातें भी शेयर करते थे और मेरी आंटी ने मेरी अपनी बहन से बात भी करवा दी थी कि तुम दोनों आपस में शादी कर लेना और मजे से अपनी जिंदगी जीना,
क्योंकि उनकी बहन विधवा थी और उन्हें एक सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल रहा था। इसमें वे बेहद खुश थी और हम दोनों अब पति पत्नी के रूप में रहने लगे थे। मैंने अपनी आंटी को और उनकी बहन को हर हफ्ते शॉपिंग कराकर लाता और उन्हें घूमने के लिए ले जाता था और वह दोनों भी अब मुझसे कहीं ना कहीं प्यार करने लगी। एक दिन की बात है, अचानक हमारे घर की लाइट भाग गई थी तो आंटी और उनकी बहन दोनों मेरे कमरे में आकर सो गई थी, क्योंकि मैंने अपने कमरे में इन्वर्टर लगा रखा था और हम तीनों एक साथ एक ही बेड पर सो रहे थे। अचानक तेज बिजली कड़कने लगी और वह दोनों मेरे पास आकर सो गई और धीरे धीरे वह मेरी बांसुरी की धुन पर नाचने लगी और मैं भी उन्हें अपनी बांसुरी की धुन पर नाचने लगा। हम तीनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। कुछ समय बाद मुझे पता लगा कि मेरे अंकल की तबीयत काफी खराब थी और वह कैंसर की बीमारी के चलते लगभग 2 महीने के बाद ही उनका स्वर्गवास हो गया था। अब आंटी पूरी तरीके से अकेली रह गई थी, इसलिए मैंने आंटी और उनकी बहन से दोनों से एक साथ एक दिन शादी कर ली और शादी के बाद हम तीनों वहां से शिफ्ट होकर मुंबई जैसे बड़े शहर में शिफ्ट हो गए थे और तीनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। आज लगभग 2 साल बाद हमारे 2 बच्चे हैं और मैं अपनी दोनों पत्नियों से बेहद प्यार करता हूं। मुझे नहीं पता कि मैं सही किया कि गलत किया, लेकिन मैं उन दोनों से अब इतना प्यार करता हूं कि मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूं। वे दोनों बड़े ही प्यार से मेरा घर संभालती है और मेरी भी खूब केयर करती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।